Hello students, welcome to the part 2 of class 7 civics. Okay, part 2. Now we are going to discuss about the second part of the chapter, chapter 3 of class 7 civics. The name of the chapter is how state government works. इसी का सेकेंड पार्ट हमने स्टडी करना है, ठीक है? Now we have to study about the second part, ठीक है? So firstly we will revise about what one of the topics that we have covered in the first part, ठीक है? हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या चीजें कवर की थी, ठीक है? पहले हम उसको एक बार देखेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट पार्ट में हमने पहली चीज देखी थी, व्हाट इज अ गवर्नमेंट, ठीक है? गवर्नमेंट क्या होगी, ठीक है? सो टू मेंटेन एंड मेक द रूल्स इन द सोसाइटी और इन अ कंट्री, ठीक है, वेयर अ लॉट ऑफ पीपल आर लिविंग, ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज सपोज टू make the laws, maintain the laws in that country, ठीक है? एक ऐसी organisation जो देश में या state में, ठीक है, laws को maintain करने के लिए या बनाने के लिए responsible होती है, ठीक है? उसे हम कहते हैं government, ठीक है? Second thing जो हमने पढ़ी थी वो होता है levels of government, ठीक है? Levels of government, ठीक है? So, गवर्नमेंट के बारे में जान लिया, ठीक है? गवर्नमेंट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, जिसकी वजह से हम अपने कंट्री में रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते हैं और जो पहले की गवर्नमेंट के द्वारा रूल बनाए गए हैं उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है? इफ दे आर फिट फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है? सो दिस इज द बेसिक मोटो दैट अ गवर्नमेंट वर्क्स ऑन, ठीक है? गवर्नमेंट का एक बेसिक मोटो है जिसपे गवर्नमेंट काम करती है कि समाज में अगर कंट्री में किसी नियम को बनाने की जरूरत है, ठीक है, या पहले से कोई ऐसे नियम बने हुए जिनको मॉडिफिकेशन की जरूरत है, ठीक है, तो उसका काम गवर्नमेंट करती है, ठीक है? आफ्टर दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट को हमने हमारी कंट्री में कितने लेवल्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और उन रिस्पेक्टिव लेवल्स का क्या क्या काम है, ठीक है, हमें वो डिस्कस करना है, किया है, ठीक है, हमने वो डिस्कस कर लिया है, ठीक है? तो बेसिकली लेवल्स की बात करते हैं तो सबसे पहला लेवल क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है? लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, लोकल गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट विच इज वर्किंग इन द स्मॉल एरिया, स्मॉल सिटी, ठीक है, दैट गवर्नमेंट इज नोन एज लोकल गवर्नमेंट, ठीक है? गवर्नमेंट का वो हिस्सा, वो लेवल जो सबसे छोटे स्तर पे काम करता है, सबसे छोटे लेवल पे काम करता है, ठीक है, उसे लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है? लाइक गवर्नमेंट्स ऑफ रूरल एरियाज, ठीक है, विलेजेस की या रूरल एरियाज की, ग्रामीण क्षेत्रों की जो गवर्नमेंट होती है उसको हम लोकल गवर्नमेंट का नाम देते हैं, ठीक है? सेकेंड लेवल इज स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? Whenever there is a requirement of a leader in a state of a country, then the government such form is known as state government, ठीक है? जब किसी राज्य में, ठीक है, जिसे कंट्री को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, जिनको स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है, ठीक है, तो एक स्टेट में रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कराने के लिए, ठीक है, और उस स्टेट को डेवलप करने के लिए, ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करती है जनता, ठीक है, उसे कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? तो स्टेट गवर्नमेंट का बेसिकली काम ये होता है कि वो एक स्टेट, ठीक है, कंट्री का एक छोटा सा हिस्सा उनको दे दिया जाता है, ठीक है, और उस हिस्से को वो डेवलप करते हैं, उसमें रूल रेगुलेशन को फॉलो कराते हैं, बनाते हैं रूल्स, ठीक है, और जो भी चीजें जरूरत की है लोगों की, ठीक है, वो उन तक पहुंचाने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट का सिलेक्शन बेसिकली कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट की सिलेक्शन करती है जनता, ठीक है?
by contesting the Vidhan Sabha elections. ठीक है, विधान सभा चुनावों के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव होता है. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बनती है कैसे, ठीक है, वो विधानसभा के चुनावों से डिसाइड करते हैं लोग. ठीक है, तो बेसिकली जब विधानसभा चुनाव हमारे देश देश में होते हैं, ठीक है, या किसी एक स्टेट में होते हैं, ठीक है, तो उस स्टेट में उस स्टेट को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है. ठीक है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हर पॉलिटिकल पार्टी का एक मेंबर या एक कैंडिडेट कंटेस्ट करता है. ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ एमएलएज या जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जीतते हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एट द लास्ट ऑफ द इलेक्शन, ठीक है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास सबसे ज्यादा एमएलएज होते हैं, ठीक है, या सबसे ज्यादा कैंडिडेट जिस पार्टी के जीतते हैं उस पार्टी को गवर्नमेंट बनाने की इन्विटेशन दी जाती है. ठीक है, द पार्टी विच इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट हैव वन दोस इलेक्शंस, ठीक है, आर इनवाइटेड फॉर मेकिंग द गवर्नमेंट इन द स्टेट. ठीक है, उस स्टेट में उस टाइम पर उनको बुलाया जाता है कि आप अब गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक है, एंड इट इज द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट व्हिच हेल्प्स द पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म गवर्नमेंट, बिकॉज़ हूसोएवर इज द हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ द स्टेट इज सिलेक्टेड बाय द गवर्नर. ठीक है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट का हाईएस्ट ऑफिशियल होता है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो, ठीक है, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री, ठीक है, जो भी होते हैं वो गवर्नर के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं. ठीक है, और गवर्नर ही बताते हैं कि कौन सा कौन कौन से एरियाज में डेवलपमेंट करना है स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, और गवर्नर ही ये डिसाइड करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा. ठीक है, सो ये था स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की सिलेक्शन होती है विधानसभा चुनावों के द्वारा. ठीक है, और जो भी विधानसभा चुनावों में जीतता है, जो भी मेंबर्स जीतते हैं, ठीक है, उनको एमएलए कहा जाता है. ठीक है, द मेंबर्स दैट विन इन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर कंसीडर्ड एज द एमएलएस और द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ठीक है, उनको एमएलए कहा जाता है. ठीक, After this, the third level of a government is national oblique central government. ठीक है, central या national government तीसरा और सबसे important part होता है government formation का. ठीक है, so जब भी national government की formation की बात होती है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है लोकसभा. ठीक है, क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट की जो कनेक्शन होती है वो लोकसभा चुनावों के द्वारा की जाती है. ठीक है, तो लोकसभा में हमें पता है कि 545 सीट्स हैं, ठीक है, पूरे ऑल ओवर कंट्री. ठीक है, तो पूरे कंट्री को छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करके, ठीक है, और हर उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से हर पॉलिटिकल पार्टी का एक कैंडिडेट लड़ता है. ठीक है, चुनाव लड़ता है या he contests the elections from each and every constituency that is in our country. ठीक है, जो भी कंट्री को एक छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हर पार्टी का एक कैंडिडेट उठता है. ठीक है, तो सबसे ज्यादा जिस पार्टी के कैंडिडेट जीतते हैं, ठीक है, या जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स होती है लोकसभा की, ठीक है, उसको नेशनल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के लिए इनवाइट किया जाता है. ठीक है, सो द पार्टी द पॉलिटिकल पार्टी व्हिच इज हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स विद इन द कंट्री इज इनवाइटेड टू द पार्लियामेंट फॉर मेकिंग देयर गवर्नमेंट. ठीक है, जिसके पास सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें होती है उनको चुनाव सॉरी देश में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है. ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है, क्योंकि जो गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट में पार्टीज को इनवाइट करते हैं सरकार बनाने के लिए, ठीक है, वो गवर्नर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही चुने जाते हैं. ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है जो गवर्नर्स को चुनती है और डिफरेंट स्टेट्स में भेजती है. ठीक है, आप जाइए एंड यू हैव टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दैट एरिया.
ठीक है, जो भी गवर्नर होते हैं वही स्टेट गवर्नमेंट की सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी हाईएस्ट ऑफिशियल होता है ठीक है स्टेट का, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो चाहे वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो, वो गवर्नर के द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है, गवर्नर ही चुनते हैं, गवर्नर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। ठीक है, whosoever is the highest official in a state government is selected by the governor, ठीक है, and the governor is selected by central government of India, ठीक है, जो भी national government हमारे देश में काम कर रही है, ठीक है, उसी के द्वारा governor का selection किया जाता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हमें अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कौन से topic को discuss करना है? So, every state in India has a legislative assembly and each state is divided into different areas or constituencies. ठीक है, पूरे एक state को छोटे-छोटे constituencies में divide कर दिया जाता है जब भी state government की selection होती है। ठीक है, so from each constituency the people elect one representative who becomes the member of legislative assembly MLA. ठीक है, तो हर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से लोग किसी एक लीडर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और जो भी उस सिलेक्शन में जीतता है, ठीक है, उसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है या एमएलए कहा जाता है। ठीक है, सो एमएलए का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ अ एमएलए। Functions of Member of Legislative Assembly. Legislative Assembly. ठीक है, एमएलए का क्या काम होता है वो ये डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो बिफोर द डिस्कशन स्टार्ट्स लेट अस जस्ट नो हु इज अ एमएलए। ठीक है, सो एमएलए इज अ ऑफिशियल दैट इज सिलेक्टेड बाय द पब्लिक ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, वेन एवर द स्टेट गवर्नमेंट इज सिलेक्टेड। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की सिलेक्शन के दौरान स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ठीक है जीतने वाला जो मेंबर होता है कैंडिडेट होता है उसे हम एमएलए कहते हैं। ठीक है, सो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन जो एमएलए का होता है वो ये होता है, एमएलए रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी towards the government of state. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के सामने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को रिप्रेजेंट करने का सबसे पहला इंपॉर्टेंट ड्यूटी एमएलए का होता है। ठीक है, जब भी कोई काम पड़ता है पब्लिक को कोई भी दिक्कत होती है तो वो एमएलए के पास जाती है। ठीक है, सो वो पब्लिक अपने प्रॉब्लम्स के बारे में एमएलए से डिस्कस करती है कि उन्हें जो भी प्रॉब्लम होती है वो एमएलए को बताती है। ठीक है, फिर एमएलए क्या करता है कि उनकी बातों को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट के सामने जाता है और स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करता है कि ये सारी परेशानियां हैं जो पब्लिक के द्वारा फेस की जा रही है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। That is the main reason of division of a state into small small constituency. ठीक है, यही main कारण होता है कि क्यों एक state को छोटे-छोटे constituencies में बांटा जाता है। ठीक है, ताकि हर एक constituency का एक leader हो और छोटे amount में ही ठीक है वो उतनी जनता को represent करे।
ठीक है, ऐसे करते करते कई सारे एमएलए ऐसे होते हैं जो पूरे स्टेट में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और अपनी पब्लिक की परेशानियों के बारे में और अपने पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं वो स्टेट के सुप्रीम के पास, ठीक है, जिसको कहा जाता है चीफ मिनिस्टर। वैसे तो स्टेट का चीफ गवर्नर कहते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला चीफ होता है स्टेट गवर्नमेंट का, उसे कहते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है। सो एमएलए रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, व्हाटएवर इज द प्रॉब्लम इज डिस्कस्ड बाय द एमएलए टू द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को जाकर वो बताता है कि ये परेशानियां मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों के द्वारा फेस की जा रही है, ठीक। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एमएलए इज टू inform the government about the areas which needs to be developed in his constituency, ठीक है, और इस एरियाज में आते हैं रोड्स, ठीक है, कमा पब्लिक प्लेसेस, कमा रोड्स पब्लिक प्लेसेस, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, कमा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कमा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ठीक है, जिसको कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ एमएलए इज टू टेल द गवर्नमेंट, टेल द स्टेट गवर्नमेंट अबाउट द एरियाज व्हिच नीड्स टू बी डेवलप्ड इन हिज और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, किसी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कौन सी ऐसी एरियाज है जिनको डेवलप करने की जरूरत है, ठीक है, और उन एरियाज की बात करते सबसे पहले आता है रोड्स, ठीक है। तो जब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रोड्स खराब हो जाती है या फिर नए रोड्स के लिए नए रोड्स बनाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो उन रोड्स के बारे में जो भी फंड है, ठीक है, और जो भी उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल है, ठीक है, वो गवर्नमेंट से जाके बताता है एमएलए, ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी डिसीजन है वो लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। आफ्टर दिस पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, तो पब्लिक प्लेसेस लाइक पार्क्स, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है, तो उन सारी चीजों को भी डेवलप करने के लिए, उनको और अच्छा बनाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड डिसीजन होता है, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड चीजें होती हैं वो एमएलए अपने सुपीरियर से जाकर बताता है, ठीक है। अगर किसी पार्क में बहुत ज्यादा गंदगी है या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस है वहां पे बहुत ज्यादा गंदगियां हैं, ठीक है, तो उसको साफ कराने के लिए, उसको सही करने के लिए, टूटी फूटी जगह है, ठीक है, उसको सही कराने के लिए एमएलए जाके अपने सुपीरियर से डिस्कस करता है, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस डिस्कशन गवर्नमेंट इन सबको डेवलप करने के लिए अपना डिसीजन सुनाती है, ठीक है। आफ्टर दैट गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है, स्कूल में प्रॉपर एजुकेशन है या नहीं, स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है, क्लीनलीनेस और हाइजीन जो है उस पर स्कूल्स में काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ठीक है, इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है एमएलए, ठीक है, इसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि वो जाकर के बताए कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में ये परेशानियां चल रही है, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से उसको डेवलप किया जाए, ठीक। आफ्टर दैट इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ, जो भी चीजें प्राइमरी हेल्थ के लिए जरूरत पड़ती है, ठीक है, फर्स्ट एड की व्यवस्था है कि नहीं,
सो इन सारी चीजों की जो अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ये भी इंश्योर करना एमएलए की ड्यूटी होती है, ठीक है। एंड व्हाट आर द कंडीशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन अ रूरल एरिया, दिस इज ऑल्सो अ ड्यूटी ऑफ एमएलए टू चेक, ठीक है। एमएलए ही इसको जाके चेक करेगा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर की क्या, उसमें क्या कमियां हैं, ठीक है। So this is the two basic duties that MLA follows for betterment of his constituency, ठीक है, अपने constituency के लिए, के betterment के लिए ये सारे काम MLA करते हैं, ठीक है। हम आते हैं third important duty, तीसरा फंक्शन होता है एमएलए का, और उसका डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। सो द थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एमएलए इज टू एंश्योर द availability of resources ensure the availability of required resources that is essential for growth in his constituency, ठीक है। जो भी resources की जरूरत constituency को develop करने के लिए या constituency में growth करने के लिए, ठीक है, जरूरी होता है, वो सारी चीजें available हैं कि नहीं, ये भी ensure करना MLA की duty होती है, ठीक है। So it is the duty of MLA to ensure that whether the required resources is available in required manner or not, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है कि नहीं है, ये इंश्योर करना एमएलए का काम होता है, ठीक है। सो बेसिकली इससे होता क्या है कि एमएलए ये इंश्योर कर पाता है कि हमारे स्टेट में, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी चीजें ग्रोथ को एडवाइज करती है या फिर जो ग्रोथ को बढ़ाती है, ठीक है, वो सारी चीजें है या नहीं। अगर डेवलप नहीं होगा उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो फिर स्टेट की डेवलपमेंट में भी रुकावट आ सकती है, ठीक है। सो टू इंश्योर दैट ग्रोथ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है, और ग्रोथ बढ़ती रहे दिन प्रतिदिन, इसके लिए भी एमएलए की ड्यूटी होती है कि वो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज का पता लगाता है, ठीक है। So after this duty, we will be discussing the other things, okay? The political party that has, whose MLAs have one more than the half number of constituencies in a state can set to be in a majority, okay? So state government की selection के दौरान, ठीक है, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा constituencies में जीत मिलती है, ठीक है, जितने number of seats states में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की आती है, जिसकी आधा से ज्यादा होती है, उसको मेजॉरिटी होता है, उसको मेजॉरिटी पार्टी कहते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? सो द मीनिंग ऑफ मेजॉरिटी इज majority, ठीक है। So the political party which gets more than half of the constituencies mm-hmm.
ड्यूरिंग इलेक्शंस इज कंसिडर्ड टू बी मेजॉरिटी, ठीक है, इसको मेजॉरिटी कहते हैं, ठीक है। वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीत हासिल की होती है, ठीक है, उसको मेजॉरिटी में कहा जाता है, ठीक है। आफ्टर दिस द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज द मेजॉरिटी इज कॉल्ड अ रूलिंग पार्टी, ठीक है। सो द पार्टी विच इज इन मेजॉरिटी is considered to be the ruling party and rest are considered as ऑपोजिशन, ठीक है। तो जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स मिले होते हैं, जो पार्टी सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीत हासिल कर पाती है, ठीक है, उन पार्टीज को हम मेजॉरिटी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी ऑफ वोट्स होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा वोट्स में मिले हैं, सबसे ज्यादा सीट्स उनके पास है, ठीक है। और जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है या बहुमत होता है, हिंदी में मेजॉरिटी को बहुमत कहते हैं, ठीक है, तो जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है उसी पार्टी को गवर्नर के द्वारा इनविटेशन दिया जाता है कि आप आइए और गवर्नमेंट की फॉर्मेशन दीजिए स्टेट में, ठीक है। सो इसीलिए उस पार्टी को हम रूलिंग पार्टी भी कहते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई द पार्टी विच इज इन मेजॉरिटी इज कंसिडर्ड एज द रूलिंग पार्टी, बिकॉज इट इज इन्वाइटेड बाय द गवर्नर टू मेक द गवर्नमेंट इन द स्टेट, ठीक है। And the rest of the parties and rest of the candidates are considered as opposition. ठीक है, जो बाकी parties उनके candidates होते हैं या बाकी MLAs होते हैं, ठीक है, उनको opposition की category में रखा जाता है, ठीक है। तो कई बार elections जब होते हैं ना, तो उसमें सबसे ज्यादा ruling party के तो होते ही हैं, साथ साथ में opposition party के भी MLAs होते हैं, ठीक है। So rest of the party is considered to be opposition, ठीक है, जो भी remaining MLAs हैं उनको opposition की category में रखा जाता है, ठीक है। So this was about majority, ruling party and opposition, okay. So the remaining parts of this chapter will be discussed in part 3, ठीक है। Till then, let us discuss about the homework. हमें homework का discussion करना है। Find out how many constituencies were formed during elections for state government in Uttar Pradesh. ठीक है, तो यूपी में जब स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव चल रहे थे, ठीक है, उस टाइम पे कितने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज का फॉर्मेशन यूपी में हुआ था, ये आपको फाइंड आउट करना है। टिल देन थैंक यू एंड कंप्लीट द होमवर्क, ओके। So you have to find out how many constituencies were formed during the elections for state government in UP. Okay, like we discussed in Himachal Pradesh, it was 68 constituencies when
द सिलेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वॉज गोइंग ऑन. ठीक है, जब हिमाचल प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट की सिलेक्शन चल रही थी उस टाइम पे वहाँ पे 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का फॉर्मेशन हुआ था, आउट ऑफ विच बीजेपी सिक्योर्ड 44. ठीक है, बीजेपी के पास 44 सीट्स थी, इस वजह से बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला था. ठीक है, सो थैंक यू.